हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है इनसिक्योरिटी। हम लोगों ने काफ़ी टीनेजर्स को देखा है हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ टीनेजर्स तक ही नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है जो सभी लोगों में मतलब देखा जा सकता है अप टू सम एक्सटेंट। कोई रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर रहता है, तो कोई जॉब को लेकर इनसिक्योर रहता है, तो कोई अपने फिनांसिस को लेकर इनसिक्योर रहता है, कोई अपने हेल्थ को लेकर इनसिक्योर रहता है। सो है क्या ये इनसिक्योरिटी, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं सो दैट हम इस चीज़ से निकल सकें। इनसिक्योरिटी बहुत ही पेनफुल होता है, मतलब जिसको होता है वो वही उसका दर्द समझ सकता है। तो हम इनसिक्योर लोगों को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हम उनके दर्द को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि एक इनसिक्योर पर्सन को ऐसा फील करने के पीछे कारण क्या है। तो अगर आपने मेरे दर्द से छुट्टी 2 वीडियो देखा होगा, उसमें आपने कलर कंसेप्ट देखे होंगे, तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनसिक्योरिटी है वही लैक ऑफ दैट कलर। हमें हमेशा लगता है कि सामने वाला हमें सिक्योर्ड कर सकता है, पर ये गलत है। सामने वाले के साथ इनसिक्योरिटी का कोई लेना देना ही नहीं है। सपोज़ आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको हमेशा डर लग रहा है कि सामने वाला आपको छोड़ देगा, उसको कोई और पसंद आ जाएगा, मतलब आप इनसिक्योर्ड हो। और ये इसलिए है बिकॉज ऑफ लैक, फर्स्ट रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ लव। खुद के लिए आपको प्यार नहीं है, तो आपको अपने बाल्टी भरने के लिए हमेशा किसी और नल की ज़रूरत होती है। कोई और पर्सन जब आपको तारीफ़ कर दे आपको अच्छा लगता है, कोई और पर्सन आपको वैलिडेट कर दे कि अरे तूने ये बहुत अच्छा किया आपको अच्छा लगता है, कोई और पर्सन आपको एक्नॉलेज कर दे तो आपको अच्छा लगता है। और सपोज़ वो पर्सन कर भी रहा हो, आपको डर लगता है व्हाट इफ फ्यूचर में वो ना करे, फ्यूचर में वो किसी और की तारीफ़ करे तो मेरा क्या होगा। ये जो फीलिंग है मेरा क्या होगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेली या अकेला रह जाऊँगा, अगर आप इसको डीप में देखो सो दिस इज सेल्फिशनेस। रूट कॉज है सेल्फिशनेस, उससे एक ब्रांच निकला है दैट इज़ इनसिक्योरिटी, एक और ब्रांच दैट इज़ पजेसिवनेस। ये चीज़ें कभी भी प्यार को डिफाइन नहीं करती है। इट इज़ नॉट अबाउट लव, इनसिक्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद लव, इनसिक्योरिटी हैव पजेसिवनेस हैज़ नथिंग टू डू विद लव। ये चीज़ें मुझे भी पहले लगती थी, एक टाइम था जब मैं भी ये सारी चीज़ें फेस करती थी, लेकिन विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड नॉलेज ये चीज़ मेरे अंदर से काफ़ी हद तक मिट गई। तो इसको, इस रोग से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या, किस तरह से निकलेंगे? सबसे फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट ये करना है कि मुझे कोई सिक्योर नहीं कर सकता, सामने वाला मुझे सिक्योर कर ही नहीं सकता। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादी भी हो जाती है आपकी, तभी भी आपको हमेशा शक रहेगा और डर रहेगा जैसे ही आपका स्पाउस किसी और के साथ, किसी अपोजिट जेंडर के साथ बात करे या व्हाटएवर, आपको हमेशा लगेगा कहीं उसको वो पसंद तो नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा या देगी। तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, सामने वाला आपको सिक्योर नहीं कर सकता है, आप सिर्फ खुद को सिक्योर कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट है सेल्फ लव, अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार देना है कि ये फीलिंग ही पहले तो चले जाए कि मुझे कोई और प्यार दे के खुश कर सकता है। यू हैव टू बी अ गिवर, और क्या मुझे प्यार देगा? मैं सबको प्यार दूंगी या मैं सामने वाले को प्यार दूंगी या दूंगा? आप अगर समंदर बनो प्यार का,
सामने वाला एक चम्मच प्यार आपको दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप समंदर बनकर सबको पानी दे सकते हो, आप नदी बन के सबको पानी दे सकते हो, तब आपको छोटे छोटे कुएं, छोटे छोटे बाल्टी, छोटे छोटे चम्मच पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वो प्यार देते भी हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऊपर तक भरे हुए हो प्यार से। दूसरी बात, कंप्लीट सरेंडर टू द क्रिएटर। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब आप कंप्लीटली कृष्णा जी के प्रति सरेंडर रहते हो, तब आपको पता रहता है कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में कोई जो कुछ जो अपने मर्जी से ही कुछ कर लो, ऐसा हमेशा नहीं होता। एंटाइटलमेंट बोल के एक चीज़ होती है। अगर आप एंटाइटल्ड हो कि आपको दुख मिले, तो आपको दुख मिलेगा, फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप भी टूट जाएगा। और अगर आप एंटाइटल्ड नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। ठीक है, अगर आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में किसी को धोखा दिया होगा, किसी को पेन दिया होगा, तो आप एंटाइटल्ड हो कि आपको भी कोई धोखा देगा, आपको भी कोई पेन देगा, तो वो तो होना भी चाहिए ना। अगर हमने कुछ गलत किया है किसी के साथ, हम बच के निकल जाएं, ये भी तो सही नहीं है। जिस तरह हम चाहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया हो तो उसे भी उसकी गलती कि सज़ा मिले, एटलीस्ट रियलाइजेशन हो, वैसे अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हमें भी ये पेन से गुजरना होगा। दिस इज़ फेयर, ये होना चाहिए, करेक्ट? तो एंटाइटलमेंट पे भरोसा रखना है। जैसे आपने अपने आप को बोल दिया अगर मेरा एंटाइटलमेंट होगा तो वो पर्सन मुझे छोड़ देगा, या वो बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा, या मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, वट एवर, जिस जो जो चीज़ों से आपको इनसिक्योरिटी है। और एंटाइटलमेंट नहीं होगा तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हो गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था सेल्फ लव, सेकेंड स्टेप है सरेंडर टू क्रिएटर, हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? अगर मैं सामने वाले को कंप्लीट फील नहीं करा सकता हूँ या सकती हूँ, इट इज़ बेटर कि वो जाए। इट इज़ बेटर, अगर सामने वाला मेरे लाइफ से चला जा रहा है, वो सामने वाले की गलती नहीं है। मैंने अगर उसे कंप्लीट फील नहीं कराया, मेरे पास वो क्वालिटीज़ नहीं थे कि उसे लगा कि उसको मेरे साथ रहना चाहिए, मुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा मुझे तो क्या है गिला। किसी और को पास अगर वो चला जाता, उसको कहीं और से वो क्वालिटी ऑफ लव मिल जाता है, सो वाई नॉट। हर एक इंसान को खुश रहने का हक है। आप अगर रेत को मुट्ठी में टाइट पकड़ के रखोगे, आपके हाथ से रेत छूटने लगेगी। मुट्ठी खोल दो, आप प्यार का दुकान बनो कि मेरे पास सिर्फ लव सर्व होता है, मेरे पास आपको सिर्फ प्यार मिलेगा। आपको पसंद है आप आइए, आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं। आपको आप पाव भाजी सर्व कर रहे हैं, सामने वाले को गोलगप्पे खाने हैं, पानी पूरी खाना है, वो उसको आपका प्यार उसको नहीं अच्छा लगेगा। कुछ दिन वो टेस्ट करेगा, फिर उसको लगेगा नहीं मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो क्या आप उसे गलत बोलोगे, आप उसे मारोगे पिटोगे, या खुद को मारोगे पिटोगे कि मैं ही बुरा हूँ? इट इज़ दैट कलर। आप अगर दर से छुट्टी टू देखो, इट्स ऑल अबाउट दैट कलर। आपके पास डार्क ग्रीन कलर है, उसे लाइट ग्रीन कलर चाहिए। वो कुछ दिन आपके साथ रहेगा, प्यार करेगा, क्योंकि एटलीस्ट ग्रीन का शेड तो है। लेकिन जब उसको लाइट ग्रीन उसका एग्जैक्ट शेड मिल जाएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये केमिस्ट्री है, ये आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये यही होता है इस यूनिवर्स में। तो आप कंटिन्यूसली डरोगे डरोगे डरोगे, अपनी हेल्थ स्पॉइल करोगे, आप सामने वाले को पेन दोगे, जिसको कोई क्लू ही नहीं होगा, उसे लगेगा कि अरे मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी ये इंसान क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, वो आपको जीने नहीं देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बेक योर ओन केक, लेट अदर्स बी जस्ट चेरी। मैंने ये एक पोस्ट लगाया था काफ़ी पहले सोल पीस ग्रुप में। आप अपना केक खुद बनाइए,
फिर अगर कोई आपके केक के ब्यूटी को एनहेंस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो सिर्फ एक चेरी होगा आपके केक के ऊपर, एक चेरी जो आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। मतलब आप पहले से सुंदर हो, आप पहले से अच्छे हो, वो इंसान का प्रेजेंस आपके लाइफ में बस वो आपकी ऑलरेडी सुंदरता को थोड़ा और बढ़ा रहा है। तो वो एक चेरी अगर चला जाता है तो पूरा केक ख़त्म नहीं हो जाता। ये इट इज़ अगेन रिलेटेड टू सेल्फ लव। अपने आप को इतना बिजी कर लो यूनिवर्स के काम में, पॉजिटिव काम में, अपने करियर को इम्प्रूव करने में, अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में, अपने नॉलेज बढ़ाने में, लोगों को हेल्प करने में, भक्ति करने में, कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर ही ना करें। और शांत एकदम बुद्धा जैसे रहो कि ठीक है, मेरे पास तो यही है ऑफ़र करने के लिए। आपको चाहिए, वेरी गुड, आपको नहीं चाहिए तो भी वेरी गुड। ना मैं अपनी शांति खोऊंगा, ना मैं आपकी शांति को अफेक्ट कराऊंगा। कोई आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। बांध के रखोगे भी तो वो इंसान को आपसे नफरत हो जाएगी। नहीं होता है, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। मैं जो भी ऑडियोज़ बोलती हूँ ट्राइड एंड टेस्ट करके ही बोलती हूँ। जब से मैंने डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया है, आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। जब जब मैं अटैच होती हूँ, आई लूज। मुट्ठी खोल दो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब भगवान की मर्ज़ी से है। अगर मुझे कोई छोड़ के चला भी जाता है, आप लोगों को पता है हमारे ग्रुप में, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में जब कोई ज्वाइन होता है उसके पीछे मैं कितनी एनर्जी देती हूँ, कितनी ज़्यादा एनर्जी, उनको नर्चर करके, उनके एक एक पेटल को खोलने के लिए जो जो बंद है। फिर वो इंसान ग्रुप छोड़ के चला जाता है, उसके बाद पलट कर भी नहीं देखता है। तो फिर मुझे तो रो रो के पागल हो जाना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मेरा रोल जितना प्ले करना था मैंने किया, मैंने अपना प्यार का स्वाद चखाया। अब सामने वाले को कोई और टेस्ट मतलब कुछ और टेस्ट करना है, वो जा सकता है। मैं फिर सोचती भी नहीं हूँ उनके बारे में। बीच बीच में कभी कभार याद आता है, पर पहले, बहुत साल पहले बुरा लगता था, हर्ट होता था, पेन होता था। अब बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने आप को कृष्णा का सर्वेंट समझ लिया है। तो जो भी आत्मा मेरे सामने आती है, मैं उसे सिर्फ प्यार सर्व करूंगी, वो प्यार जो मुझे कृष्णा जी दे रहे हैं, बस। फिर वो मुझे इन रिटर्न कुछ देता है, नहीं देता है, मेरे साथ रहता है, नहीं रहता है, चला जाता, उससे मेरा कोई हेडेक नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं रामू काका हूँ। मैं जस्ट एक वेटर जैसे सर्व करने के लिए हूँ। जिनको जिनको भगवान मेरे तरफ भेजेंगे, मैं उनको उनको जो मेरे लिए पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है वो आ जाए तो आपको उसको भी लव सर्व करना है। नहीं, आप रिस्पेक्टफुली उसे मना कर सकते हो, वो बात नहीं। ऐसा भी नहीं कि इतना हार्ट चक्रा खुला कर दो कि कोई आपका नुकसान करना चाहता है आप उसके साथ भी वो करो। नहीं, यू बी वेरी क्लियर कि आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर कोई दे सकता है वो श्री कृष्ण दे सकते हैं, और श्री कृष्ण किसी को माध्यम बना के मेरे तक भेजना चाहते हैं, वो कृष्ण प्रसादम है, गुड और बैड, प्रसादम तीखा है या प्रसादम मीठा है, वो कृष्णा जी पे छोड़ दूंगी। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई प्यार देता है, ऑफकोर्स मैं भी उसे रिटर्न में प्यार दूंगी। मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आउट ऑफ फॉरगिवनेस में मैं ऑफकोर्स उसे रोकूंगी, बट दिल में मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं रहेगी उसके लिए। दिस इज लिबरेटिंग। इससे आप बंधन मुक्त हो जाते हो, इससे आपके दिल में शांति आ जाती है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब हमने जन्म लिया था, कुछ था हमारे पास, कपड़े भी थे हमारे, कुछ भी था नहीं था। अब ये सब जो मोह माया में हम फंस रहे कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये जॉब मेरी है, ये घर मेरा है,
मेरा घर किसी ने ले लिया तो क्या होगा, मेरी जॉब किसी ने छीन ली तो क्या होगा, मेरे गर्लफ्रेंड को किसी ने ले लिया तो क्या होगा। आप कहीं स्टैम्प पेपर पर लिख सकते हो कि आप जब मरोगे आप अपने साथ ही सब कुछ लेके जाने वाले हो, आप तो वैसे भी खोने वाले हो ये सब आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। कुछ साल बाद तो सब कुछ आप खो ही दोगे, आपकी जॉब तो रहेगी ना, आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है, आपका घर कोई और यूज़ करेगा, आपके बच्चे या ग्रैंड किड्स वॉट एवर, आप जिससे बहुत प्यार करते हो शायद उसकी डेथ हो गई होगी या आप उससे दूर हो जाओगे खुद मर कर। तो जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो जो है अभी व्हाई डोंट यू एंजॉय इट, अभी है ना, इस मोमेंट पे वो इंसान आपके सामने है, इस मोमेंट में वो जॉब आपके साथ है, इस मोमेंट में वो घर आपके पास है। जस्ट से थैंक यू, दिस इज़ कृष्णा प्रसादम एंड ऑनर इट। कल होगा नहीं होगा वो मत देखिए, आज के प्रॉब्लम्स की स्ट्रेंथ भगवान ने हमें आज दी है, कल के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की स्ट्रेंथ भगवान कल देंगे। तो आज शांत हो जाइए, आज बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल। अगर आप ग्रेटिट्यूड रखो आपका पेन कम हो जाएगा, मेरे साथ रिपीट करिए अभी, 2 मिनट में आपका दर्द कम हो जाएगा। बोलो प्रभु आई एम सो ग्रेटफुल, आपने जो जो मुझे दिया है सब कृष्णा प्रसादम है, मैं इसको मतलब वॉज आई इवन एलिजिबल टू गेट इट आई डोंट नो, क्या मेरी इतना इतना कर्मा था, क्वालिफिकेशन था, मुझे नहीं पता, पर आपने कृपा किया, आई एम सो थैंकफुल फॉर इट। जिस दिन आप चाहोगे वापस लेना आप ले लेना प्रभु, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि आप ही ने दिया, आप ही की चीज़ है, आपको जब लेना होगा आप ले लेना। लेकिन इस डर से कि ये मेरे साथ मेरे पास नहीं रहेगा सोचकर मैं नेगेटिव कर्मा और नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर नहीं जनरेट करूँगी, ना ही इसे स्प्रेड करूँगी, अदरवाइज आई एम नॉट ऑनरिंग योर कृष्णा प्रसादम। जब आपके सामने खाना परोसा जाता है और आप वो खाकर तृप्त ना होकर सिर्फ डरते रहते हो ये खाना ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, मुझे कल खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आप आज को भी एंजॉय नहीं करते हो। सो बी हैप्पी फॉर टुडे, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है ना हो। जो पास्ट में जीते हैं या जो फ्यूचर में जीते हैं उनके पास वैसे भी कुछ नहीं रहता, जीना आज में है, आज जो मेरे पास है वो कृष्णा प्रसादम है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, थैंक यू सो मच। उतना ही उपकार समझ ले जितना साथ निभाया, ये जो गाने के का सेंटेंस मैं हमेशा बोलती हूँ, इसको उपकार समझो, आपके पास अभी जो है वो उपकार है, जितना उस पर्सन ने आपका साथ निभाया वो उपकार है, जितने दिन आपके पास जॉब थी वो उपकार है, जितने दिन आपका हेल्थ ठीक था वो उपकार है, ये सोचना कि हमेशा मेरे साथ ये रहेगा ये बेवकूफ़ी है। यूनिवर्स इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चेंज, सो एक्सेप्ट इट। जिस दिन आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है उसको थैंक यू बोलो और उसके साथ एक टैग नीचे लगा दो, दिस मे नॉट लास्ट फॉर एवर एंड आई एम ओके विद इट। ये मत सोचो कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, क्योंकि जैसे आप ये सोच लोगे यूनिवर्स आपको ये समझाने के पीछे लग जाएगा कि आपके पास नहीं रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स, जो जो लोग किसी रिलेशनशिप में हो कंटिन्यूसली इस डर से कि वो इंसान आपको छोड़ देगा, आप उसे भी पेन देते हो, खुद को भी पेन देते हो, एक्चुअली फिर वह इंसान छोड़ ही देगा परेशान होकर, मत करो ऐसा। शांति से बोला आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस इन माई लाइफ, दिस इज़ कृष्णा प्रसादम, भगवान ने दिया, जिस दिन भगवान को लेना होगा ले लेंगे भगवान, मेरा भगवान के प्रति प्यार कभी कम नहीं होगा। जब तक आप कृष्णा से प्रेम नहीं करते हो तब तक आप ये सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहोगे, जब आप कृष्णा से प्रेम करोगे आप
आपका पिलर ऑफ लाइफ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप वो पिलर पकड़कर कोई भी प्रॉब्लम झेल सकोगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट है। कोई हो ना हो, भगवान तो नहीं जाते कहीं। आप 2 महीने भगवान को याद मत करो, उसके बाद फिर आप भगवान तभी भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। तो जब कृष्णा है और वो बोल रहे हैं कि बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो खेलना है खेल ले, जो सीखना है सीख ले, आ जा वापस मेरे पास। हम कहाँ फंसे हुए हैं? जो जब एक ही चीज़ परमानेंट है वो है कृष्णा, और कुछ परमानेंट है ही नहीं, हम कहाँ फंसे हुए हैं? सो खुद को हिलाते हैं थोड़ा, और ये पजेसिवनेस कि तुम मेरे हो वाले चीज़ से बाहर आते हैं। कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं। हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारी आत्मा खुद हमारे शरीर को छोड़ के चली जाएगी और हमारे ही घर वाले उसे जला देंगे जाकर। तो आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। यही भ्रम है, यही भ्रम है। मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी माँ, मत करो ऐसा। नहीं है आपका कोई, सब एक कॉस्ट्यूम में है और अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब तक डायरेक्टर का सिग्नल नहीं आ रहा है, डायरेक्टर इज कृष्णा जी, जब कृष्णा जी का सिग्नल आ जाएगा, चलो टाइम हो गया कॉस्ट्यूम चेंज करो, वो इंसान जिसने आपके वाइफ का कॉस्ट्यूम पहना हो, आपके माँ का कॉस्ट्यूम पहना, आपके बच्चे का कॉस्ट्यूम पहना, वो कॉस्ट्यूम से निकल जाएगा, वो कोई और कॉस्ट्यूम पहन लेगा, मतलब उसको कोई और बॉडी मिल जाएगी, या वो किसी और का गर्लफ्रेंड हो जाएगा, या वो कुछ और हो जाएगा, आपके साथ रिलेशन नहीं रहेगा। तो डायरेक्टर से प्यार करो, एक्टर्स से नहीं। एक्टर्स ठीक है, आई मीन प्यार सभी से करना है। इश्क करो डायरेक्टर से, बाकी लोगों के साथ अफेयर रखो। समझ रहे? मतलब मेन फोकल पॉइंट है श्री कृष्णा, उन्हें पकड़ के रखो, उनसे प्यार करो, उन्हें बोलो कि प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपके चरण ना छोड़ू, इंश्योर इट। ये मत बोलो कि आप मुझे मत छोड़ना, अगेन दैट इज अटैचमेंट। वो क्यों नहीं आपको, वो हमने ऐसा क्या कर लिया कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमने ऐसा क्या महान काम कर लिया। ये बोलो प्रभु प्लीज़ इंश्योर इट दैट मैं आपके चरण कभी ना छोड़ूँ, मैं आपकी सेवा करना कभी ना छोड़ूँ, मैं आपका एसेट बनना कभी ना छोड़ूँ, ऐसा बनूँ मैं कि आप मुझे देख के बोलो वाह वाह क्या बात है, ये बनना है। सो स्माइल, एवरीथिंग इज़ ओके, रिलैक्स, एंजॉय ईच मोमेंट। जिस बात को लेकर आप डर रहे हो, शायद वो कभी हो ही ना, उस डर के वजह से आज को जीना मत छोड़ो। आज सब कुछ ठीक है ना, कल का कल देखेंगे। आज ताले की चाबी है ना, कल जो प्रॉब्लम आएगी उस ताले की चाबी कल दे देंगे भगवान हमें। तो टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम, एक एक स्टेप लेते हैं, मुस्कुराते हैं, थैंक यू बोलते हैं प्रभु को फॉर एवरी गुड थिंग स्टिल जो हमारे पास है। जो चला गया चला गया, पर जो है अभी उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो भी चला जाएगा एक दिन। ओके, सो होपफुली दिस ऑडियो हेल्प्ड यू, और मैं ऐसे छोटे छोटे ऑडियोज बनाते रहूँगी एक 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 प्रॉब्लम पे, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो। टू शेयर इट ऑल, शेयर इट विद अदर पीपल जिन्हें आपको लगता है कि हेल्प हो सकता है। एंड आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसा कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया, दिस वॉज जस्ट माई पर्स्पेक्टिव, माई एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सोल के जर्नी में सीखा है। ओके, हरे कृष्णा।